बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे और खुश रखे, आमीन। आज हम जाने लगे हैं करेले गोश्त। ये पकड़े का गोश्त है, 1 किलो करेले हैं, आधा किलो। तो हमें आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये वैगन है सबका। ये हम तो गोश्त में डालेंगे, गोश्त को हमने अच्छी तरह से पहले धो लिया है और इसे हम नमक चम्मच भर के लगा देंगे, 2 चम्मच, और ये सुरख मिर्चें पीसी हुई डाल देंगे, और मल का रख देंगे, मल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये करेले हैं, करेलों को ऊपर से अच्छी तरह से खर्च लिया था और बीज निकाल दिए थे, ठीक है, और नमक लगाकर 1 घंटे तक पड़ा रहने दिया था, धोकर निचोड़ लिए हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, गोश्त में लहसुन भी डाल देंगे, अच्छा पिसा हुआ लहसुन डाल देना, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सर। घी गर्म हो गया, इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज में अब लहसुन डाल देंगे, रोल कर लेंगे, जीरा और लौंग लौंग डाल देंगे, 3-4 अदर लौंग है, जीरा आधी का 1 चम्मच, थोड़ा भून लेंगे, एक अदर टमाटर डाल देंगे, का जी मैंने फिमें ये टमाटर डाल देंगे, एक अदर टमाटर का पानी कितना होगा, नमक मिर्च डाल देंगे, मान रहे देखें टमाटर का पानी खुशक हो गया। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे किसी भी, डेढ़ चम्मच खाने में हल्दी, आधा चाय का चम्मच डालें, कुछ एक धनिया डाल दें, भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, बिस्मिल्लाह रहमान, इसके बाद हम गोश्त डालकर भूनेंगे। तरह से भून लेंगे, जैसे कई कढ़ाई में घी डाला गर्म हो गया, अब इसमें हम करेले तल लेंगे,
लेकिन भूल लिया ये, लेकिन अब इसमें बाकी टमाटर भी डाल देंगे और भूलेंगे। साले ने भी तोड़ दी मुझे, देखिए साले ने अभी उसका पानी का डाल देंगे। एक कप पानी डाल चढ़ी सब, अब हम इसे हल्की आँच पर रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। आंच कर देंगे, करेले जैसे खेताल नहीं है, अब हम इसे घी समेत गोश्त में डाल देंगे। घी में भून लेंगे इसे, थोड़ा सा भून लिया हमने, अब प्याज डाल देंगे, घी तो पकड़ लिए थे, अब इसे मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। अब 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, बाद में आगे दिखाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें करेले पककर तैयार हो गए हैं, दम लग गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, अल्लाह ताला हम सब के रिज़क में इजाफ़ा करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, खुश जायका, खुशबूदार, मज़ेदार है। नसीम फूड स्पेशल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में शामिल रखें, हम भी आपको अपनी दुआ में शामिल रखते हैं। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।